Hey, so what's up guys, my name is Sharik, welcome to back my channel is Sharik Edits। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो एडिटिंग के बारे में, जो है इलेक्ट्रो रेडिएशन एडिटिंग जो आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, कितनी गुड लुकिंग फोटो एडिटिंग लग रही है आप देख सकते हैं। तो आप इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए तो आपको कुछ इस टाइप का आप लोगों को पोज देना होगा और इस बैकग्राउंड से हम आज की वीडियो को, ये PNGs होने वाली हैं और इस बैकग्राउंड से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सारी PNGs एंड स्टॉक के लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आप लोगों को रेडिएशन इलेक्ट्रो फोटो एडिटिंग करने के लिए तो आप लोगों को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आप लोगों को वाला बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों को ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को अपने सबसे पहले मॉडल की PNG आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेनी होगी। चलिए मैं सेट कर लेता हूँ। डन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाले इसका बैकग्राउंड जो है पहले से इरेज करके रखा, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना ली है। आप वहां से जाकर आप लोग परफेक्टली कैसे बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं आप वहां से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगेन ऐड फोटो में चले जाना होगा। दोस्तों ऐड फोटो में जाने के बाद तो आप लोगों को सारी PNGs आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेनी होगी। ऐड करने के बाद तो जितनी भी PNGs है आप लोगों को सबसे पहले साइड में रख देना होगा। चलिए मैं साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों साइड में रखने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ये वाला PNG ब्लेंड में चले जाना है। ब्लेंड में जाने के बाद आप लोगों को इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को ये वाले हैंड पर अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद तो आप देख सकते हैं आपका जितना भी है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है आप लोगों को इसको इरेज कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में बिजली आ रही है और हम में कितनी पावर है। तो आप लोगों को ये वाले PNG सेलेक्ट करने का तो आप लोगों को इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला हैंड पे भी ये वाला PNG अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को अब ये वाला PNG साइड में रखना है। ये वाला PNG आप लोगों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को ब्लेंड में जाकर इसको स्क्रीन कर देना है। तो दोस्तों आपकी गर्दन में थोड़ी सी जगह हो तो आप इसको यहाँ पर अपनी गर्दन के पास आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो एडजस्ट करने के बाद तो आप लोगों को सबसे पहले आप ये वाला PNG आप लोगों को साइड में रख देना। तो आप लोगों को ये वाला PNG ले लेना। लेने के बाद तो आप लोगों को ब्लेंड पर जाकर इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद तो आपके हाथ के इधर लगेगा तो आपको इधर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ऐसा आप लोगों को एडजस्ट करने के बाद तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे करते हैं ये फेस पर आ रहा है। तो आप लोगों को जितना भी आपके हैंड पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है आप लोगों को उसको इरेज कर लेना। दोस्तों इरेज करने के बाद जितना भी आपके फेस पे आएगा आप लोगों को ऊपर से उसको इरेज कर देना है। सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोगों के अपना जो आप लोगों की फ़ोटो की ब्राइटनेस होगी आप लोगों को इतना ही रखना है, आपको लो में रखना है, आप लोगों को ज़्यादा नहीं करना है। तो आपकी ज़्यादा हो तो आप तो दोस्तों आप लोगों का अगेन ऐड फोटो पर चले जाकर आप लोगों को ये वाला PNG ऐड करने के बाद आपको इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी। तो दोस्तों आप लोगों को ये एडजस्ट करने के बाद तो आप लोगों को एडजस्ट में चले जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप लोगों को इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर देना है। 50% आप लोगों को इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर देना है। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइटिंग कितनी गुड लुकिंग लग रही है। तो आप लोगों को उसको डन पर क्लिक कर देना है। तो डन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को अपनी हेयर PNG आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। चलिए मैं हेयर PNG लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को हेयर PNG ऐड करने के बाद तो आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर लेनी है। मैं जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। डाउन करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को जो आपके चश्मा पहना है आप लोगों को इसके लेंस जो ब्लैक होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को एडजस्ट में चले जाना। आप चश्मा पहना हो तो कोई आप ऐसा कर लेना, ब्लैक चश्मा पहना हो तो आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा कर लेना आपको भी।
तो आप लोगों को इरेजर पर टूल पर जाकर आप लोगों को एडजस्ट करने के बाद इसको रीस्टोर कर लेना है अपने लेंस पर। आप ब्लैक चश्मा पहना हो तो आप सही है, और आप ब्लैक चश्मा नहीं पहना है तो आप ले आना ऐड फोटो पर जाने का। तो आप लोगों को ये वाला पीएनजी आप लोगों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोगों को उसको स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद तो दोस्तों आपको जो चश्मे में आप लोगों का आपके देखना चाहिए कि आप उसको रेडिएशन को आप लोग अपने आंखों से देख रहे हो या ऐसा फेक से लगेगा। आप नहीं करोगे तो इसको इन्वेस्ट कर लेना है। इरेजर टूल पर जाकर आप लोगों को अपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, कर देना है 19। करने के बाद तो आप लोगों को इसके एक डुप्लीकेट और बना लेना। डुप्लीकेट बनाने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही दूसरी आई में आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आप लोगों को अगेन ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद तो आप लोगों को ये वाला लेंस फ्लेयर का आप लोगों को पीएनजी ऐड करने के बाद आप लोगों को स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद जो आपकी जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके हाथों में जो करंट है, तो आपके हाथ में जो करंट है उसको हाईलाइट नहीं हो रहा, तो उसको हाईलाइट करने के लिए आप लोगों को ये वाला पीएनजी ऐड करने के बाद तो आप लोगों को अपने हैंड्स पर ये वाले हैंड्स पर लगा देना। लगाने के बाद तो आप लोगों को उसका डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद तो आप लोगों को ये वाले हैंड पर चले जाना है। तो दोस्तों आप लोगों को इसकी ओपेसिटी को 19 कर देना है। 19 करने के बाद तो आप लोगों को अगेन इसका एक डुप्लीकेट फिर से बनाना है, और आप लोगों को अपने बीच में आप लोगों को इधर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को इसका अगेन एक डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को अपने ये माथे के ऊपर आप चाहें लगा भी सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी ओपेसिटी को 50 कर देना है। 50 रखने के बाद आप लोगों को इधर डन कर देना है। तो दोस्तों हमारे सारे पीएनजी ऐड हो चुकी हैं। अब चलिए मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ। करने के बाद तो दोस्तों मैंने अपना लोगो ऐड कर लिया। चल गया, मैं अपने फ़ोटो को शाइन ग्लो मारते हैं। तो आप लोगों को शाइन ग्लो नहीं मारने आता तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर अपनी अलग वीडियो बना दूँगा। चलिए मैं जल्दी से शाइन ग्लो मार लेता हूँ। डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों की सारी पीएनजी ऐड हो चुकी हैं। तो आप लोगों को अब आपको उस फोटो को सेव करने के लिए आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आप लोगों को थ्री डॉट पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद तो दोस्तों आपका पिक्सआर्ट का काम इधर ही फिनिश होता है। आप चलते हैं लाइट रूम के अंदर। तो आप लोगों को अपना फोटो को लाइट रूम में ऐड करने के बाद तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो उस पर आप अच्छी तरीके से आपको एकदम बारीकी से समझा रहा, तो वीडियो तो बड़ा होना ही है, तो उसको ये सॉरी, और बैकग्राउंड में नॉइस के लिए भी सॉरी। तो आप लोगों को ये वाले टूल में आ जाना है। ये वाले टूल में आने के बाद आप लोगों को शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। शेडो को इंक्रीज करने के बाद ब्लैक को आपको डाउन करना है। नीचे वाले टूल में चले जाते हैं, मिक्स पे चले जाते हैं, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके आपको इसके ऑरेंज को आप लोगों को लुमिनस को इंक्रीज करना है अपने फेस के हिसाब से, और सैचुरेशन को डाउन करके आप लोग को डन पर क्लिक कर देते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को टेम्परेचर को हाई वाला सा हल्का सा डाउन करना है। डाउन करने के बाद आप लोगों को टेंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद वाइब्रेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करने के बाद सैचुरेशन को डाउन कर लेते हैं। नीचे वाले टूल में जाने के बाद तो आप लोगों को क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्लैरिटी को बढ़ा देने के बाद डेज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। डेज को बढ़ाने के बाद बिगनेट को डाउन कर देते हैं। बिगनेट को डाउन करने के बाद तो आप लोगों को नीचे वाले टूल में चले आना, फोटो को शार्पनिंग को बढ़ा देना, और आप लोगों को नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, और कलर रिडक्शन को भी बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद तो आप लोगों को जाना पड़ेगा सिलेक्टिव टूल पर। तो दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टिव टूल में चले जाना। सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आप लोगों को ब्रश को आप लोगों को चूज़ कर लेना। तो दोस्तों ये वाला जो वर्जन होता है, ये वाला जो टूल होता है पेड वर्जन में मिलता है। आप वहाँ से जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को बीच वाले टूल पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना, इधर टैप करना है। टैप करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को इधर इधर आप लोगों को इसको मार लेना है।
तो दोस्तों इस टाइप से आप लोगों को ब्रश को मार लेना है। तो आप लोगों का जितना भी आप लोगों के जो आपके बॉडी से बाहर जो निकल रहा है आप लोगों को उसको रिमूव कर लेना। चलिए मैं रिमूव कर लेता हूँ जल्दी। तो दोस्तों आप लोगों को वाले टूल में चले आना है और जाने के बाद आप लोगों को इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को फोटो के आप लोगों को नीचे वाले टूल में आना है जो टेम्परेचर से आपको दिख रहा है वाले टूल में आने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को इसको इसका कलर आप लोगों को थोड़ा सा ब्लू आप लोगों को ब्लू चुन लेना है। ब्लू चुनने के बाद तो आप लोगों को इसके टेम्परेचर का हल्का सा डाउन करना है। डाउन करने के बाद आप लोगों को क्लैरिटी एंड डैश को आप लोग को बढ़ाना इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों का अगेन सिलेक्टिव टूल में आना। सिलेक्टिव टूल में आने के बाद आप लोग को ये वाला बॉक्स चुनने के बाद तो आप लोगों को इधर अच्छी तरीके से ऐसा कर लेते हैं। करने के बाद तो आप लोगों को एक्सपोजर पर चले जाना। एक्सपोजर पर जाने के बाद आपको एक्सपोजर को इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज़ करने का कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के तो आप टेम्परेचर पर आते हैं। इसको भी ब्लू चुन लेना है। ब्लू टूल लेने के बाद तो आप लोगों को डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आप लोगों को अगेन वाले फ़ोटो में चले जाना है और आप यहां से आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप लोगों को टेम्परेचर पर जाने के बाद मिक्स पर जाने के बाद तो आप लोगों को अपने वाला ब्लू को चुनना है। ब्लू को चुनने के बाद आप लोगों को लुमिनस को इनका थोड़ा सा डाउन करना है और आप लोगों को ह्यू को बढ़ाना है। तो आप लोगों को ये वाले ब्लू में चले जाना। जाने के बाद इसको लुमिनस को बढ़ाना और ह्यू को भी इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद तो दोस्तों आपको हमें जो अपने फ़ोटो में ब्लू टोन देनी है, ब्लू टोन देने के लिए आप लोगों को ब्लू में जाने के बाद स्प्लिट टोन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो आप लोगों को यहाँ से ब्लू को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं आपको कितना ब्लू चाहिए। तो मैं 5-4-10% तक आप लोगों को यहाँ पर डन कर लेना है। डन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आप अपने आपकी फ़ोटो एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्सार्ट में आप फ़ोटो कितनी बेकार से लग रहा था, कलरिंग नहीं हुई थी। जब आप लाइट रूम में आकर आपको फ़ोटो कितना कलरिंग लग रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।